सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कूलपैड कूल प्ले 7 स्मार्टफोन लॉन्च होने से पहले ऑनलाइन लिस्ट हो गया है, इसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन सामने आ गई है। कूलपैड कूल प्ले 7 को ऑफिशियल तौर पर लॉन्च किए जाने से पहले ये ऑनलाइन लिस्ट आउट हो गया है। यह स्मार्टफोन पिछले साल लॉन्च हुए कूलपैड कूल प्ले 6 हैंडसेट का अपग्रेड वेरियंट है। कूलपैड का नया स्मार्टफोन लेटेस्ट बेजललेस डिज़ाइन, नोच डिस्प्ले और डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में ऑक्टाकोर MT6750 चिपसेट का यूज़ किया गया है। इस हैंडसेट में मेटल फ्रेम दिया गया है और यह ग्लास बैक से लेस है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस फेशियल रिकॉग्निशन फीचर दिए गए हैं। फ़ोन में रियर पर फिंगरप्रिंट स्कैनर है और यह स्कैनर 0.2 सेकंड में फ़ोन को अनलॉक कर देगा। इस फ़ोन को 30 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। फ़िलहाल ये स्मार्टफोन चाइना की JD.com पर रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल है। ऑनलाइन लिस्टिंग के मुताबिक कूलपैड कूल प्ले 7 की प्राइस 999 चीनी युआन यानी करीब 10,100 इंडियन रुपीज़ होगी। लिस्टिंग में कुछ स्पेसिफिकेशंस का पता चला है तो डुअल सिम कूलपैड कूल प्ले 7 एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन है, लेकिन इसके एंड्रॉयड का भी पता नहीं है कौन सा होगा। उम्मीद की जा रही है कि एंड्रॉयड ओरियो हो सकता है और इस पर कस्टम स्किन भी होगा। कूलपैड कूल प्ले 7 में 5.85 इंच की HD+TFT डिस्प्ले दी गई है। इसका डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 720p × 1440p दिया गया है और यह 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले है। कूल प्ले 6 में जहां स्नैपड्रैगन 653 प्रोसेसर दिया गया था, वहीं कूलपैड कूल प्ले 7 में ऑक्टाकोर मीडियाटेक MT6750 प्रोसेसर दिया गया है और इस स्मार्टफोन में 4GB रैम दी गई है। इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। दोनों ही सेंसर 13 MP के हैं, साथ में LED फ्लैश भी दिया गया है। रियर कैमरा सेटअप पोर्ट्रेट मोड को सपोर्ट करता है, इसकी हेल्प से यूज़र स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। सेल्फी और वीडियो चैटिंग के लिए 8 MP का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड के ज़रिए एक्सपेंड किया जा सकता है और यह स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर्स में 4G LTE को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही वाईफाई, ब्लूटूथ, माइक्रो USB और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे फीचर्स दिए गए हैं और इस स्मार्टफोन में 2800 mAh की बैटरी दी गई है। तो इस स्मार्टफोन में ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए बैटरी कमज़ोर लग रही है, बैटरी कम हो सकती है। फ़िलहाल ये अभी लिस्ट हुआ है, लॉन्च नहीं हुआ है। लॉन्च हुआ 30 जुलाई को चाइना में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब पहले से ही कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं हमें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।